जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिन संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ हो, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आसान कुछ भी नहीं है। आप लोग का बोर्ड एग्जाम है, ये भी आसान नहीं है अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो। आपको मेहनत करना पड़ेगा, हथौड़ी की चोट खाना पड़ेगा, यानी कि आपको तपना पड़ेगा, खुद को उस आग में झोंकना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी ये सफल हो सकता है, तभी आप आपका जो सपना है, आपके माता पिता का जो सपना है, उस पूरा कर सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो क्लास टेंथ के लिए स्पेशल है, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले हैं ब्लूप्रिंट, यानी कि बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप देख लिए ना अच्छे से जो मैं बताने वाला हूं, और इस प्रकार से तैयारी कर लिए। और मैथ में सबसे आसान होता है दोस्तों 100 में से 100 उठाना, बाकी किसी सब्जेक्ट में उठाओ या ना उठाओ, मैथ में आसानी से उठा सकते हो। मैं कुछ टिप्स भी दूंगा और चैप्टर का सारा नाम बताऊं कि हाँ इस चैप्टर से इतने नंबर के सवाल पूछे जाने वाले, जो आप लोगों को काफी आसानी होगा चैप्टर्स को समझने में। हाँ इस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट था, डिमांड था, सर ब्लूप्रिंट बताइए मैथ में। देखिए ये जो है आप लोगों का इसी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कितना नंबर के कितना क्वेश्चंस और किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर पहली बार आने वाला है, क्लास 10 मैथ का ब्लूप्रिंट। तो आप लोग देखिए इसको, सभी को शेयर कीजिए और मजा लीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए। जी हाँ, और चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, मुझे पता है अभी तक मैं जो देख रहे हैं कर ही लिए होंगे, जो नए विद्यार्थी है जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। देखिए दोस्तों है क्या आखिर चैप्टर टोटल, आप लोग मैथ में बात करें तो 15 को चैप्टर है, ठीक है। और इस बार कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ये तो आपको पता ही है। पहला चैप्टर से हम बात करेंगे और दो भागों में हम बांटे हैं, एक ऑब्जेक्टिव में और एक सब्जेक्टिव में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग का, आपको पता है ऑब्जेक्टिव एक नंबर का है, तो सिर्फ मैं ये बता दूंगा कि उस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जा रहे हैं और सब्जेक्टिव में कितने कितने नंबर के सवाल उस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखिए आप लोग, सबसे पहले बात करेंगे वास्तविक संख्या का दोस्तों। तो वास्तविक संख्या का में ऑब्जेक्टिव से कुल 4 सवाल पूछे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में ये अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें 4 नंबर के 4 सवाल, मतलब 4 सवाल पूछे जाएंगे एक ही नंबर वाले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो एक नंबर वाले होते हैं, मैं यार टोटल 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव दोस्तों सिर्फ वास्तविक संख्या से ही रहेगा। और बात करें सब्जेक्टिव उस चैप्टर से, मतलब जो पहला चैप्टर है मैथ का आप लोग का, ठीक है, दो नंबर वाले एक सवाल रहेगा और 3 नंबर वाले एक सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कुल बात करें तो इस चैप्टर से 9 नंबर के सवाल आप लोगों के पूछे जाने वाले हैं सिर्फ वास्तविक संख्या से। तो ऑब्जेक्टिव तो काफी आसान है, इसका आप लोग कर ही लेना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से भैया छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बहुपद चैप्टर की बात करें, जो दूसरा चैप्टर आता है मैथ में आप लोगों का, इसमें 3 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव में दोस्तों 2 नंबर के एक सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी 2 नंबर। तो कुल मिलाकर बात करें इस चैप्टर से 5 नंबर आप लोगों के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि चैप्टर 3, आप लोगों का 3 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा इसमें से, इस चैप्टर में से, और इसमें दोस्तों 2 नंबर वाले सवाल नहीं होंगे, इसमें 3 नंबर वाले एक सवाल पूछे जाएंगे। कुल नंबर की बात करो इस चैप्टर से 6 नंबर आप लोग का पूछे जाने वाला है। नेक्स्ट द्विघात समीकरण, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोस्तों, इस चैप्टर से टोटल 4 सवाल, हाँ और एक चैप्टर है आप लोगों का इसमें वास्तविक संख्या होगी और बहुपद, मतलब इसमें भी 4 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। द्विघात समीकरण से काफी आसान होता है, मूल निकालने बोल देगा, मूलों की प्रकृति जांचने बोल देगा, ठीक है, या फिर आप क्या बोलता है डिस्क्रिमिनेंट निकाल, यानी कि विविक्त का निकालने बोल देगा, डी का वैल्यू निकालने बोल देगा। तो काफी आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान, मतलब कह सकते हो बहुत इजी वाला है। तो 4 नंबर तो आप ऐसे ही उठा सकते हो हवा हवा में, ठीक है। और इस चैप्टर से दोस्तों 5 नंबर का एक सवाल फिक्स है, 5 नंबर वाले एक सवाल में कैसा रहेगा, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा, आपको उसका प्रकृति निकालने बोलेगा, प्रकृति का अस्तित्व है कि नहीं पूछेगा, और अस्तित्व है तो मूल निकालने बोलेगा। बहुत आसान सा सवाल है, मैं आप लोग को करवाऊंगा, उसको देख लेना। एक सवाल 5 नंबर का फिक्स है, यानी कुल दोस्तों 9 नंबर के सवाल इस अकेला इस चैप्टर से पूछा जाएगा द्विघात समीकरण से। नेक्स्ट समांतर श्रेणी की बात करें तो 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा दोस्तों और 3 नंबर वाले एक सवाल इसमें से पूछे जाएंगे, यानी टोटल 6 नंबर इसी चैप्टर से पूछ जाएंगे समांतर श्रेणी से। नेक्स्ट बात करें त्रिभुज का, तो त्रिभुज में दोस्तों आप लोगों का 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले एक सवाल पूछे जाएंगे और 5 नंबर वाला, ठीक है, और 5 नंबर वाले एक सवाल पूछ जाएंगे, यानी कि टोटल दोस्तों अगर बात करें तो 10 नंबर का सवाल पूछ जाएगा।
दोस्तों ये जो पांच नंबर का एक फिक्स है, दो तीन थ्योरम है उसको कर लो पांच नंबर पॉकेट में। तो थ्योरम मैं आप लोगों को करवा दूंगा यूट्यूब में, देख लेना ठीक है, एग्जाम से पहले मैं आप लोग करवाई दूंगा, तो उसमें से एक फिक्स है भैया। इतना हो गया 10 नंबर, इसमें सारी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ऑब्जेक्टिव भी कुछ हार्ड नहीं आता, आसान ही आता है। निर्देशांक ज्यामिति यानी कि 7 चैप्टर की बात करें तो दो ऑब्जेक्टिव पूछ जाएंगे, दो नंबर वाले एक सवाल रहेंगे और तीन नंबर वाले भी एक सवाल पूछ जाएंगे। यानी कि दोस्तों सब्जेक्टिव में पांच नंबर, ऑब्जेक्टिव में दो नंबर, कुल सात नंबर इस चैप्टर से पूछ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री का, तो दोस्तों इसमें तीन ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, दो नंबर वाले एक सवाल पूछेंगे और तीन नंबर वाले दोस्तों एक सवाल पूछेंगे। यानी सब्जेक्टिव से पांच, ऑब्जेक्टिव से तीन, कुल आप लोगों का आठ नंबर इस चैप्टर से आएगा। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 9.1 वाला, इस चैप्टर से दोस्तों दो ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा और एक सब्जेक्टिव, वो भी पांच नंबर वाले एक सवाल, समझ रहे हो? तो पांच नंबर वाला चैप्टर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे पांच नंबर पॉकेट में भर के घर ले आओगे, जी हाँ मार्कशीट में छाप दोगे, तो इसको जरूर अच्छे से कर लेना। तो इस चैप्टर से दोस्तों सात नंबर कुल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें वृत्त का यानी सर्कल का, दसवां चैप्टर, तो इसमें दोस्तों आप लोग का तीन ऑब्जेक्टिव पूछेगा और दो नंबर वाले एक सवाल पूछेंगे, कुल पांच नंबर इस चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं। अब देखो रचनाएं, तो रचना 11 पॉइंट है ठीक है, उसमें से दोस्तों तीन नंबर आप लोगों का तीन नंबर वाले एक सवाल पूछे जाएंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो आप लोगों का है 12 पॉइंट चैप्टर 12.123 मिला करके, ऑब्जेक्टिव तीन रहेगा और सब्जेक्टिव में सिर्फ एक रहेगा, तीन नंबर वाले एक सवाल पूछे जाएंगे, जो कि टोटल बात करो तो छह नंबर इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे। और दोस्तों 13 चैप्टर यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 13.1, 2 और 3 और 4 मिला करके दोस्तों आप लोगों का तीन ऑब्जेक्टिव रहेगा। और ध्यान से सुन लो मेरी बात मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त ठीक है, इस चैप्टर से एक पांच नंबर का सवाल फिक्स है, यानी कि तो और उभी रहेगा किससे, 13.4 से, यानी कि छिन्नक से रहने का पूरी संभावना है ठीक है, क्योंकि मैथ्स हर एक बार छिन्नक से ही पूछता हुआ आया है। तो ये टोटल हो गया आठ नंबर वाले सवाल दोस्तों 13 चैप्टर से पूछेंगे। नेक्स्ट सांख्यिकी की बात करें यानी कि दोस्तों जो 14.123 है, इसमें से आप लोगों का दो ऑब्जेक्टिव पूछेगा और पांच नंबर वाले एक सवाल पूछेंगे, जो कि सात नंबर हो गया। और बात करें प्रायिकता का दोस्तों, तो प्रायिकता में आप लोगों का दो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सांख्यिकी में दो ऑब्जेक्टिव पूछेगा ठीक है, तो प्रायिकता में दो ऑब्जेक्टिव रहेगा और दो नंबर वाले एक सवाल रहेंगे। कुल बात करें तो प्रायिकता से चार नंबर के सवाल पूछेंगे। तो ये है आप लोगों का पूरा सांचा, दैट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास 10th 2023 ठीक है। अब सुन लो मेरी बात, मैथ में दोस्तों सब्जेक्टिव में कुल सात सवाल रहेंगे, उसमें से सिर्फ आपको पांच का उत्तर देना होगा, दो नंबर वाले सवाल यानी 10 नंबर यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। सेक्शन बी में दोस्तों सात क्वेश्चंस रहेंगे, तीन नंबर वाले सवाल, लेकिन आपको सिर्फ पांच करने होंगे, पांच या 15 नंबर इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। सेक्शन सी की बात करें तो टोटल पांच क्वेश्चंस रहेंगे, पांच नंबर वाले, सिर्फ तीन सवाल आप लोगों को करना है, तो तीन सॉल्व करोगे पांच नंबर करके 15 नंबर मिल जाएगा। तो 15 × 2 = 30 और 10 = 40 नंबर आप लोगों का सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव का तो मैंने बता ही दिया। तो ये कुछ ऐसा आप लोगों का, दैट इज द ब्लूप्रिंट ओके। अब और कुछ बात सुन लो भाई साहब, जो पांच नंबर वाले नंबर है ना, पांच नंबर से पांच नंबर वाले पढ़ लेते हो तो 15 नंबर इसमें से आ जाएगा ठीक है। जिसको डर लगता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर मुझे मैथ बहुत डर लगता है, समझ में ही नहीं आता है, मैं पास तो कर जाऊंगा ना, तो जो पास होने वाले विद्यार्थी सोच रहे हो, ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं इसका सपोर्ट करता कि सब पास होने के लिए पढ़ो, बच्चे यहाँ से टॉपर बनते हैं और आप लोग भी टॉपर बनोगे, मेहनत करोगे, मैथ में से 100 में से बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से लाओगे, जी हाँ इसी विद्यार्थियों में से, इन्हीं विद्यार्थियों में से आप ही जो इस वीडियो को देख रहे हो, जी हाँ आप भी 100 में से 100 ला सकते हो, बस पढ़ो अच्छे से और लाओगे आप में से बहुत सारे विद्यार्थी लाएंगे ठीक है, जी हाँ आप जो इस वीडियो को देख रहे हो लाओगे आप ठीक है। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों को कहता हूँ जो डरते हैं बहुत ठीक है, जिनका बिल्कुल बेस कमजोर है, डर लगता है सर मुझे मैथ में बस कैसे तैसे पास हो जाए ठीक है, उनको मैं बोल दूँ दोस्तों सिर्फ पांच नंबर वाले पढ़ लोगे ना तो भी आसानी से पास हो जाओगे, क्योंकि तीन नंबर पांच सवाल है ठीक है, सॉरी पांच नंबर वाले तीन सवाल है, तो 15 नंबर इसमें से मिल जाएगा। सर 15 में पास हो जाएंगे क्या, उधर प्रैक्टिकल में 20 नंबर कौन देगा, प्रैक्टिकल में 20 तो इधर 35 नंबर हो रहा है, चलो प्रैक्टिकल में अगर दोस्तों 17-18 भी दे देता है ना, 18 भी, तो भी आपका 33 नंबर हो रहा है तो पास हो ठीक है, 17 भी आएगा तो भी उधर एक नंबर दो नंबर ग्रेस नंबर मिल ही जाएगा, तो इधर आप लेकिन हाँ सही सही करना पड़ेगा। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि इतना सवाल में से आप छोड़ दोगे, कुछ ना कुछ लिखो कोई अच्छा तो उसमें भी नंबर मिलेगा। तो मैथ में पास होने के बारे में आपको नहीं सोचना, आपको सोचना है कि 100 में से 100 हम कैसे लाएं, और आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी ये चीज कर सकते हैं
बस मन में ठान लो यार मैथ में कुछ स्वामी सोलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। बस आप लोग पढ़ो, मॉडल पेपर को सॉल्व कर लो और जिस चैप्टर से जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व कर लो, सौ में से सौ सोच लो छप चुका है आपको रिजल्ट में, तो ये चीज़ करो, ठीक है। और दोस्तों आज बहुत सारा मैथ में है ट्रिक्स आप लोगों का किस प्रकार से और अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो इस वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा और बस आप लोग इतना बता दिए ब्लू प्रिंट है, ब्लू प्रिंट का वीडियो पूरा सांचा मैंने दे दिया कि इस चैप्टर से इतने सारे सवाल आप लोगों के पूछे जाने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस को देखकर ये आप लोगों का कहां से उठाया, मॉडल पेपर से, मॉडल पेपर में किस चैप्टर से कितने सवाल दिए गए थे उससे मैंने इसका ब्लूप्रिंट निकाल लिया, एक एक चीज को देखा हूं, मेहनत लगाया, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही जाना चैनल को अच्छे प्रकार से एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो सभी को शेयर कर दो जो जो अभी तक नहीं देखे वीडियो को, ठीक है। यहाँ बोलना 15 और 18 हुआ है 33, नहीं तो सर 18 बराबर 33 का भी होता है क्या? चलो, तो दैट इज द ब्लू प्रिंट बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 10th। तो सभी को शेयर कर देना जितने सर आपके दोस्त हैं, ठीक है, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और जो ब्लू प्रिंट चाहते थे बट नहीं मिल रहा था। चलो दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अभी के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।